सो है गाइज दिस इज़ बा रे आज करंटली फर्स्ट ईयर एम बी बी एस स्टूडेंट इन यू सी एम एस दहली एंड टॉपिक फॉर टूडे इस वीडियो इज़ वट आर द बेस्ट बुक्स फॉर प्रैक्टिसिंग एम सी क्यूज इन बायोलॉजी फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो स्टार्ट करते हैं चलिए इसको तो पहली बुक जो आती है वो है एन सी आर टी आर टी ऑफ फिंगर टिप्स अब उस बुक में नाम तो है एन सी आर टी आर टी ऑफ फिंगर टिप्स और हर चैप्टर में एम टी जी की वो बुक है और हर चैप्टर में वो हंड्रेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100 एंड 110 हंड्रेड टेन क्वेश्चन उनके होते हैं बट उसमें से मैंने नोटिस किया मैंने रियलाइज़ किया जब वो बुक यूज़ करता था मैं अपने टाइम पर यानी 50 साठ क्वेश्चन एन से होते थे तो वो नाम तो एन सी आर टी आर फिंगर टिप्स है बट उसके अंदर बाहर के क्वेश्चन भी हैं लाइक मोर देन फोर्टी परसेंट आउट ऑफ एन मैंने रिसर्च की कि कौन सी बुक एम uh, के लिए बेस्ट रहेगी देखिए मैं बताऊँ तो जो एलन आकाश और ये सब कोचिंग्स हैं इनके मॉड्यूल्स करना आई वोंट रिकमेंड कि आप इनके मॉड्यूल्स करो क्योंकि इनके अंदर बहुत बाहर से क्वेश्चन एम बी बी एस फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन भी इन मॉड्यूल्स में होते हैं तो मैंने जो बुक सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ मैंने जो बुक यूज़ की थी वो है ये बायोलॉजी की डॉक्टर अली ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी तो ये डॉक्टर अली साहब ने लिखी है और इसमें बेस्ट पार्ट यह है कि आपको मोर देन हर चैप्टर में मोर देन 200 हंड्रेड क्वेश्चन मिलेंगे और एन की एक एक लाइन से क्वेश्चन जो हम हमें टीचर्स बोलते हैं ना कि आप एन इस तरीके से पढ़ो कि एग्जामिनर के माइंड से आप एन पढ़ो जो भी एक लाइन आपको मिल रही है उससे आप क्वेश्चन बनाओ हर लाइन से क्वेश्चन बनाओ एक उसी उसी वो वो काम आपका आसान कर देगी ये बुक इसके अंदर हर लाइन से ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा आपको यानी अगर हम इलेवंथ इसकी दो वॉल्यूम्स आती हैं चैप्टर वन वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू तो वॉल्यूम वन में पूरी क्लास अलेवेंथ के ट्वेंटी टू चैप्टर्स होंगे और वॉल्यूम टू में क्लास ट्वेल्थ के सिक्सटीन चेप, चैप्टर्स होंगे तो आपको ये दोनों बुक्स अमेजान पर मिल जाएंगी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अराउंड फाइव फिफ्टी रुपीज़ की ये पड़ेंगी दोनों बुक्स मिलाकर दोनों वॉल्यूम्स आई रिकमेंड दीज बुक्स मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बुक्स का मैं आपके फायदे के लिए ही बता रहा हूँ मैंने भी ये बुक्स यूज़ की थी एन की लाइन बाई लाइन से क्वेश्चन इसके अंदर बने बनाए मिलेंगे आपको टू से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के एक चैप्टर के एसेंस जो होता है ना वो आपको ग्रेस्प करने का मौका देती है ये बुक तो आप बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर बायोलॉजी के लिए हम कौन सी बुक प्रैक्टिस करें अब मैं बोल रहा हूँ थेरी के लिए तो एनसीईआरटी ही करनी है आपको थैरी के लिए कोई मॉड्यूल और कोई ट्रूमैन वगैरह कहीं नहीं जाना थ्योरी के लिए एन ही करनी है बट एन सी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं बच्चों को तो फर्स्ट लेवल पर जो आपको करनी है दोनों बुक्स करनी है और देन सेकेंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाना है देखिए 2008 या 9 में एन बदली थी इससे पहले एन कुछ और थी अब एन कुछ और है तो 2009 से पहले के क्वेश्चंस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है नीट ए आई पी एम टी के आई एम टेलिंग यू के नीट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो इस टाइम पर सिक्स प्लस ही सेफ़ स्कोर है इससे नीचे नहीं फाइव भी नहीं लाने आपको आपका टारगेट सिक्स प्लस का ही होना चाहिए और 600 प्लस लाने के लिए आपको बायो में 300 से ऊपर का टारगेट रखना पड़ेगा जिसके 300 नहीं आएंगे वो नहीं कर पाएगा यार नीट में वो नहीं ले पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जिसके 300 से कम होंगे बायो में तो चूज़ योर बुक्स वाइजली एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आई रिकमेंड कि ये दोनों बुक्स आप यूज़ करें यहाँ मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ आप चाहें तो एलन के मॉड्यूल्स करें आकाश के मॉड्यूल्स करें मेरे पास भी एलन के मॉड्यूल्स रखे हैं पर मैंने नहीं करे थे उनको उनमें से एक्सरसाइज टू की थी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज वन नहीं की थी और जो ये बुक है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाई डॉक्टर अली ये आप करिए एंड आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा If you like this video, consider subscribing to my channel and give it a big thumbs up. Thank you.